सो हे गाइस, की हाल चाल है? सब तो फुली सारे वधिया होवोंगे। वेलकम टू द फ्यूचर ऑफ दिल्ली। मॉनसून मास्टर स्ट्रोक, गवर्नमेंट इंप्लीमेंट्स विजन वेनिस 247 के वेनिस बना देना है। पानी च किश्तियां तैरिया करनगियां, सड़कां सुड़कां नहीं रहनियां हुण इंडिया च। ओके, तो देशभक्त आकाश बैनर्जी और वीडियो पाई बड़ी कैंट आए, चेक कर दें। दिल्ली के भविष्य में आपका स्वागत है। भीषण गर्मी से राहत, पानी की किल्लत से वो ले आंदी है ना मोदी दी मिमिक्री टाइप। निजात और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार का नया मास्टर स्ट्रोक वेनिस विजन 2047। ये बारिश का जमा पानी नहीं, बीटा टेस्टिंग चल रहा है। पूरे शहर को पानी पानी कर दो। एक ऐसी दिल्ली जहां सड़कों पर गाड़ी नहीं सिर्फ नाव चलेगी। फुल एनवायरमेंट फ्रेंडली सॉल्यूशन टू दिल्ली पोल्यूशन। साथ ही साथ हर घर जल और हर घर स्विमिंग पूल का प्रावधान, जिससे हर घर से एक ओलंपिक स्विमिंग चैंपियन निकले। दिल्ली को दुनिया का सबसे एडवांस्ड ऑटो हब बनाने की पूरी कोशिश, जहां जर्मनी के ऑटोबान में गाड़ियों को तेज भगाया जाता है, वहीं दिल्ली में गाड़ियों की वेटिंग कैपेसिटी और अंडर वाटर परफॉर्मेंस टेस्टिंग हो रही है। इस टेस्ट में जहां रोल्स रॉयस और वॉल्वो जैसी गाड़ियां फेल हो रही हैं, वहीं लॉर्ड ऑल्टो और मारुति को फुल मार्क्स। ये देखिए, गाड़ी फुल वाटर में। अगर आपका मोबाइल IP67 हो सकता है तो आपकी गाड़ी क्यों नहीं। दुनिया का पहला रियल वर्ल्ड अंडर वाटर टेस्टिंग फैसिलिटी। यार तुसी देखो तो सही, मतलब किन्नी गड्डियां खराब हो रही हैं यार, कितना खर्चा, कितना वेस्टेज ऑफ मनी लोगों का। फैसिलिटी फॉर कार्स, ये नजारा अपग्रेडेड T1 टर्मिनल का। हाँ, अभी गिर गया ना बोला, जिसे वर्ल्ड क्लास सिंगापुर एयरपोर्ट के मुकाबले बनाया गया है। वहाँ आर्टिफिशियल वॉटरफॉल का प्रयोग होता है। यहाँ सफर करने वाले नेचुरल सस्टेनेबल वॉटरफॉल का आनंद ले सकते हैं। साथ ही साथ एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी दुनिया में सबसे आगे। सिर्फ दूसरे देशों में नहीं, यहाँ पर आप स्वर्ग लोक तक डायरेक्ट कनेक्शन पा सकते हैं। वेनिस विजन 2047 में भाग लेते हुए हमारे देश के नेतागण, टास्क है संसद तक पहुंचना है, लेकिन जूते गंदे नहीं होने हैं। समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव ये दिखाते हुए, इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। शशि थरूर की अंग्रेजी से भी पानी न डरा, उनके घर में भी घुसा। वाटर फार्स, वाटर ट्रेजेडी, वाटर ट्रेवेस्टी, शशि थरूर बोले। पानी ने दिल्ली के जल मंत्री आतिशी मार्लिना के घर पर भी दस्तक दी और वहां हड़ताल पर बैठ गई। दिल्ली की कुछ जनता इस पानी से ट्रॉमा में है। कईयों को बचाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ा, लेकिन दिल्ली ट्रॉमा सेंटर खुद ही ट्रॉमा में, क्योंकि दिल्ली का ट्रॉमा सेंटर खुद ही ट्रॉमा, मतलब लिफ्टा चोरियां मैन, इतने बुरे हाल है। ओटी में पानी भर गया, जिसके बाद इमरजेंसी ओटी को इमरजेंसी चलते इमरजेंसी तौर पर बंद कर दिया गया। इमरजेंसी डॉक्टर्स को भी रेनी डे हॉलिडे का हक है। छुट्टी में अब पर्यटक रेड फोर्ट, लाल किले भी जा सकते हैं। वहां अब सिर्फ लाइट एंड साउंड शो नहीं, अपना मिनी वॉटरफॉल भी है। यार सही कर लेना। और कश्मीरी गेट का भी अपग्रेडेशन हो चुका है। आज तक एयरपोर्ट्स में वॉटरफॉल होते थे, अब स्टेशन में भी वॉटरफॉल का नजारा। यार इतना मी पे, इतना बुरा हाल है यार। नहीं, भारतीय रेल ने दुनिया का सबसे पहले ट्रेन वॉटरफॉल का भी इंतजाम किया है। चलती ट्रेन में लगता है आप वॉटरफॉल के बीच से जा रहे हैं। सिद्धा है ना यार, सीरियसली लाइक पूरा शटडाउन हो गया, काम खराब। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में नए वाटर स्पोर्ट्स इजाद किए जा रहे हैं, जैसे गेट आउट ऑफ द कार, बहुत रोमांचक स्पोर्ट। गाड़ी पानी में तैरती हुई और समय रहते हुए आपको गाड़ी से निकलना है। अगर थोड़ी सी भी चूक तो गटर में स्वाहा। ये वाला सिर्फ सीरियस थ्रिल सीकर्स के लिए। 2 साल पहले खुले प्रगति मैदान टनल को दुनिया का सबसे पहला हाइब्रिड टनल बनाने की कोशिश। जब गाड़ी हाइब्रिड तो रस्ते क्यों नहीं। प्रगति मैदान पर गाड़ी और बोट दोनों का प्रावधान हो रहा है, और देश में 70 साल में पहला ऐसे नहीं हुआ होगा।
पानी पाइप से नहीं आ रही है, पाइप पानी जा रही है पर आ रहा है। अद्भुत, नॉन बायोलॉजिकल और अलौकिक। यार यार देखो मतलब उन्होंने इतनी कॉमेडी तरीके से बेइज्जती करती ना भाई, खत्म मैन गवर्नमेंट। दिल्ली में इतना पानी और इतना सुंदरता देख यूनेस्को दिल्ली को रियल लेक सिटी का टाइटल अब दे सकती है। उधर हरिद्वार में गंगा आरती को देखने के लिए जगह नहीं मिलती, इसके लिए सरकार ने नया फॉर्मूला बनाया है, गंगा आरती दर्शन बाय कार। अपनी न्यू गड्डियां डूब गया ना यार उत्थे भी लोग दिया शट मैन, बहुत नुकसान है। कार को नदी में ले जाओ और न्यूट्रल पर छोड़ दो, बाकी का काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेगा। लेकिन ये कुछ तो कहते लोग भी बेच सके की गड्डियां दे है ना। एक्सपेरिमेंट कुछ तकनीकी कारण के चलते अच्छे से नहीं हुआ, अगला प्रयास बहुत जल्द। अयोध्या में भव्य राम मंदिर पर भीषण भीड़ देख सरकार ने यहाँ भी कुछ इंतजाम किए हैं, श्रद्धालु को पानी और पॉटहोल से निपट के बच के आना होगा, बिना थोड़ा सा परिश्रम किए दर्शन दर्शन नहीं होता है। लेकिन उत्तम प्रदेश में बारिश की पहली बूंदों उन्हें उत्तम इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कुछ ज्यादा ही दिखा दिया है। फरुखाबाद में रास्ता ही गायब, शर्यम गिर रही है ना सड़क, और एटा में गाड़ी में बैठे लोगों का हैप्पी बर्थडे होते होते बचा। उधर गुजरात मॉडल के तहत ये पता चला कि सरकार ने सड़कों के नीचे पानी की टंकी बनाकर रखी है, ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग का सच। इसीलिए अहमदाबाद में कभी पानी की दिक्कत नहीं होती, क्योंकि ये सारा पानी स्टोर हो जाता है। What a master stroke! वाह यार वाह, इतना नुकसान यार। और अभी तो बारिश की पहली बरसात हुई है, आने वाले दिनों में मॉनसून्स के साथ दिल्ली और यूपी नहीं पूरे देश में विजन वेनिस 2047 का प्रयोग किया जाएगा। आपको कैसा लगा वेनिस वाला फील, कमेंट्स पर लिख के बताएं। शिप्पा उन ले ली बोटल एंड लोड। धन्यवाद धन्यवाद भाई, बहुत सोनी वीडियो बनाई सच्ची ब्रो, लव्ड इट लव्ड इट, होल कंसेप्ट वाज सो ऑसम। ठीक है, बड़े तरीके नाल सारी दुख सारा सारा जो भी घटनावां हुई हर एक चीज़ सामने लिया के रखती मैं, बहुत वधिया।